मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलती है, शिवाजी महाराज की भूमि है भाई। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? अगर कराना है तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ एक बार छत्रपति महाराज का, शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे, बोलिए जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आज इस विशाल सभा में यहां पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र सम्माननीय चंद्रशेखर बावनकुले जी, श्री रविंद्र चव्हाण जी, श्री उदय सामंत जी, श्री दीपक केसरकर जी, श्री नितेश राणे जी, श्री शेखर निकम जी, श्रीमती चित्राताई वाघ जी, डॉक्टर नीलेश राणे, श्री किरण सामन, श्री प्रमोद जठार जी, राजन तेली जी, बाल माने जी, सदानंद चव्हाण जी, शिल्पाताई पटवर्धन जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मोदी जी की मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान नारायण राणे जी। राणे जी अगर आइए, राणे साहब आप जोर से ताली बजाइए राणे साहब के लिए। और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज कोंकण सिंधुदुर्ग की इस भूमि पर, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की इस भूमि पर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किला जो आज भी पूरी दुनिया को हिंद विश्व राज की याद दिलाता है, वो यहीं पर स्थित है। यहीं पर से शिवाजी महाराज ने न केवल दिल्ली तक, दिल्ली से बाहर भी पूरे समंदर को हिंदुत्व की स्थापना के लिए वर्चस्व लाने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। भाइयों बहनों, ये रत्नागिरी तिलक महाराज का भी जन्मभूमि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी के बाद पहली बार कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और अंग्रेजों को ललकारने का काम तिलक महाराज। यही भूमि है जहां 2 साल वीर सावरकर ने जेल में बिताए और उसके बाद में 13 साल तक रत्नागिरी में रहकर हिंदुत्व की अलग सावरकर जी जगाते रहे। और यही भूमि है जहां 2-2 भारत रत्न बाहर आए हैं, श्री पीवी काणे और दोंडो केशव कर्वे जी। ये दोनों ने भारत में इस भूमि को बहुत सम्मान दिलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में आया हूं, तब मैं इतना कहना चाहता हूं
कि आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव जी, आप नकली शिवसेना चला रहे हो, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, श्रीमान राणे के सामने कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे और राणे जी को वोट दोगे, एक एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम है। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मत है, मतलब है देश को समृद्ध करना। मोदी जी 10 साल से मनमोहन सिंह 11वें नंबर पे हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे, मोदी जी 5वें नंबर पर लाए। मैं आज एक मोदी गारंटी बताकर जाता हूं, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर पर मिले। भाइयों बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को सुरक्षित बनाना। मुझे बताओ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर हमारा है, मगर एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार की आयु पार कर गए, मगर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाले को जान नहीं पाए। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, मुझे बताइए कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से इस शरद पवार एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी, जिनकी गोदी में उद्धव जी बैठे हैं, वो 70 साल से धारा 370 को एक अनाथ बच्चे की तरह गोद में बिठाकर खिलाते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया भारत के साथ। उस वक्त मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, आप जिनके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी चरण में पड़े, जिनके पैर में पड़े, वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। भाई और बहनों, राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जाना दुष्कर था, आज लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस आन बान और शान के साथ निकल रहा है। भाई और बहनों, मैं आज उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी की जनता के सामने, बाला साहब के अनुयायियों के सामने स्पष्ट कर दो, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए या धारा 370 के संरक्षक कांग्रेस और एनसीपी?
शरण में जाए वो महाराज का गौरव नहीं संभाल सकते, महाराज का गौरव नहीं। भाइयों बहनों 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली इस देश में, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह मौन लगाकर दिल्ली में बैठे रहे, क्योंकि उनकी वोट बैंक की उनको चिंता थी। वोट बैंक की, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना आपको? मालूम है या नहीं है कांग्रेस की वोट बैंक कौन है? मालूम है या नहीं है? भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। अभी अभी छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी, 29 नक्सलवादी मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी कहती है ये फेक एनकाउंटर है। अरे शर्म करो राहुल बाबा, शर्म करो। जिस नक्सलियों ने सैकड़ों लोगों की जान ली उनकी बचाव करते हो, और उद्धव जी वो राहुल बाबा के शरण में बैठे हैं। भाइयों और बहनों मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी, शरद पवार 70 साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, मैं उद्धव ठाकरे को बता सकता हूं, पूछ सकता हूं और पूछना भी चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे जी मुंबई में सभा कर कह सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर बना वो अच्छा हुआ? पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनकी वोट बैंक भी अब कांग्रेस की वोट बैंक हो गई है, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो। भाई उन्होंने राम मंदिर को अटकाने वालों के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए समाधान करने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया। भाई और बहनों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलिए, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? मैं उद्धव जी को चैलेंज कर जाता हूं, उद्धव जी कल प्रेस कर बोल दो मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया वो अच्छा किया, वो नहीं बोल पाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बम धमाका करने वाले PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? क्या उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि PFI पर बैन लगाए अच्छा हुआ? वो नहीं कह सकते। अरे अब तो दिन आ गए हैं वो जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगाते हुए भी डरते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, PFI पर बैन लगाया और ट्रिपल तलाक समाप्त किया, और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी सिर्फ उत्तराखंड में आया है, मोदी जी ने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, पूरे देश भर में UCC लाने का काम और मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडा में कहा है,
हम ट्रिपल तलाक को वापस लाएंगे, 370 को वापस लाएंगे, पर्सनल लॉ वापस लाएंगे। अब उद्धव जी, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के साथ आप सहमत हो या नहीं हो बताओ, आप जवाब दीजिएगा। उद्धव जी मौन मत हो जाइएगा, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नहीं, पूरे महाराष्ट्र की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप ट्रिपल तलाक के समर्थक हो या हटाओगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक हो या हटाना चाहते हो, 370 हटाना चाहते हो या रखना चाहते हो, आतंकवादियों को जवाब देना चाहते हो या वोट बैंक के लिए उनको बिरयानी खिलाना चाहते हो। उद्धव ठाकरे आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बाला साहब की विरासत ऐसे नहीं मिलती है उद्धव जी, बाला साहब के यहां आपने जन्म लिया, विरासत तो नारायण राणे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के पास रह गई, आप कब की पीछे छोड़कर चले गए। भाई और बहनों, ये महाराष्ट्र का चुनाव असली शिवसेना कौन है वो तय करने वाला चुनाव है। भाइयों बहनों, एक प्रकार से ये इंडिया अलायंस जो है, एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गई। अब सिंधुदुर्ग रत्नागिरी वालों को तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। भाइयों बहनों, हम जब नाम बदलते हैं औरंगाबाद का, तब भी ये विरोध करते हैं। और उद्धव जी, मैं बताना चाहता हूं, ये नाम संभाजी महाराज के नाम से आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने रखा था, जिनको भाजपा शिवसेना सरकार ने जमीन पर उतारा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मोदी जी ने 14 करोड़ शौचालय गरीब माताओं के घर में बनाए। मोदी जी ने 11 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 3 करोड़ गरीबों को घर दिया, और इसके साथ साथ 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मुझे बताओ सिंधुदुर्ग रत्नागिरी वालों, कोरोना के दोनों टीका आपको लगे हैं या नहीं लगे हैं? हाथ ऊपर करके बताओ, लगे हैं या नहीं लगे हैं? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कॉफी पिलाकर मुफ्त में 2 टीके लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाई और बहनों, उस वक्त राहुल बाबा क्या कहते थे? राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाले उनकी सुनते नहीं है, देश में कोई सुनता नहीं, सबने जाकर टीका लगा दिया। जब उन्होंने देखा सारे लोग लगाए, एक दिन अंधेरे में बहन प्रियंका को लेकर वो भी चुपचाप टीका लगा कर आ गए। अरे राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और उद्धव जी उस वक्त शरद पवार और राहुल के समर्थन से मुख्यमंत्री थे। कोरोना की खिचड़ी खाने का पाप उद्धव ठाकरे के साथियों ने किया है मित्रों, कोरोना की खिचड़ी में गबन करने का, भ्रष्टाचार करने का काम इन्होंने किया है। मोदी जी ने कोंकण रेलवे का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया। सिंधुदुर्ग जिले में हवाई उड़ान शुरू हो चुकी है, वंदे भारत ट्रेन कोंकण के लोगों को मिल चुकी है, 12 स्टेशन नए बनाने की शुरुआत हो चुकी है। एनडीए की सरकार ने
काजू बोर्ड बनाकर काजू के खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और आपके जो आम है ना रत्नागिरी वालों, आपके आम के लिए भी अलग से आम का बोर्ड बनाने का काम भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। 12,000 से ज्यादा घर सिर्फ रत्नागिरी में बनाए, 11,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, सिंधुदुर्ग में 3,00,000 परिवारों को आयुष्मान भारत का फायदा मिला, 84,000 घरों में नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना में 1,51,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, मैं मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को भी कहना चाहता हूं, 121 करोड़ का प्रोजेक्ट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज हार्बर बनाकर अपने मछुआरा भाइयों के लिए बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, और 146 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ सखरी नेट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी फिशरी हार्बर बन रहा है। भाइयों बहनों, फिश लैंडिंग सेंटर के लिए 51 करोड़ का प्रोजेक्ट 6 स्थानों पर नरेंद्र मोदी जी ने लाए। मैं आज राणे साहब के लिए एक बात बताना चाहता हूं, राणे साहब के मंत्रालय में उनके नेतृत्व में मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्वकर्मा भाइयों के लिए 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने चला। मैं मेरे मत क्षेत्र की बात करता हूं, सुथार हो, लुहार हो, मछुआरा हो, सुनार हो, जूते बनाने वाला मोची हो, इस प्रकार के 20 काम करने वाली छोटी छोटी जातियों को ट्रेनिंग भी दिया, साधन भी दिए और 13,000 करोड़ का लोन विदाउट गारंटी दिया। विदाउट गारंटी नहीं दिया, उसका एक बड़ा आदमी गारंटर है। ये 13,000 करोड़ की लोन का गारंटर अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी, उसको कोई गारंटी नहीं लानी है, घर नहीं लिख कर देना है, एफडी नहीं गिरो करनी है, मोदी जी की आबरू पर उसको 13,000 करोड़ का लोन। ये सारे गरीब विश्वकर्मा भाइयों 20 जातियों के लोगों को लोन मिलेगा। एक पूरा काम का आयोजन हमारे नारायण राणे साहब ने किया है। जोर से ताली बजाओ नारायण राणे के लिए। भाई भाई और बहनों, अब समय आ गया है देश को विकसित बनाने का। हमारा देश कब तक पीछे चलता रहेगा आप मुझे बताओ। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों, ये देश दुनिया में एक नंबर पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या शरद पवार कर सकते हैं? जोर से बोलना, कर सकते हैं? ममता बनर्जी कर सकती है? उद्धव ठाकरे कर सकते हैं? स्टालिन कर सकते हैं? अरे राहुल बाबा कर सकते हैं क्या? अरे हंस क्यों पड़ते हो यार, वो भी एक नेता है। भाइयों, मैंने तो कई बार सोचता हूं इसमें से प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है। भगवान न करे ऐसा होने वाला नहीं है, मगर इनके हाथ में अगर अधिकार आ गया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी अभी उनके एक बड़े नेता जो जॉकर टाइप के है, उनको पूछा कि कौन बनेगा, तो उसने कहा बारी बारी सभी लोग एक एक साल बन जाएंगे। मजाक रखा है क्या? इस तरह से देश नहीं चलते। इस देश ने अस्थिर सरकारों का दर्द भोगा है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने वाली इंडी अलायंस आई और कोरोना जैसी महामारी हुई तो कौन देश संभालेगा? भारत के मतदाताओं को मालूम होना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। 23 साल से शासन करने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसा प्रामाणिक नरेंद्र मोदी चाहिए। 23 साल तक सीएम और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी 23 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी
एक दिन छुट्टी न ले, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। भाइयों, ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडी अलायंस देश को नहीं संभाल सकता। थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड में छुट्टी मनाने जाने वाले राहुल गांधी देश को नहीं संभाल सकते। मित्रों, मैं आज आपको विश्वास के साथ कहने आया हूं, इस देश को नंबर वन पर कोई ले जा सकते हैं तो मेरे और आपके नेता नरेंद्र मोदी ले जा सकते। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी जी समर्पित। मैं आज शरद राव जी को पूछना चाहता, शरद पवार साहब बताइए, आप 10 साल यूपीए में रसूखदार मंत्री थे, 10 साल में यूपीए ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया? मेरा गला बैठ गया। मैं विदर्भ में भी पूछकर आया, पुणे में भी पूछकर आया, जवाब नहीं देते। मगर मैं तो बनिया हूं भाई, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। देना चाहिए नहीं देना चाहिए हिसाब? भाई जरा जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? इन लोगों ने 10 साल में सिर्फ महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया। कितना दिया था? 1,91,000 करोड़। मोदी जी ने ये 10 साल में 10,80,000 करोड़ रुपया देने का काम, ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट मोदी जी ने महाराष्ट्र में दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देवेंद्र फडणवीस ने इन्वेस्टमेंट में भारत में महाराष्ट्र को नंबर वन बनाने का काम किया है, नंबर वन बने। माताओं, भाइयों, बहनों, ये लोग देश का विकास नहीं कर सकते, महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकते, देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, देश को एक नहीं रख सकते, देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, हिंदुओं के सम्मान के लिए ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता, मैं देश में जहां जहां जाता हूं, सभा होने के बाद सब कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बनाना, भाई स्वाभाविक रूप से कहते हैं, मगर मोदी जी ने आपको तो बना बनाया मंत्री यहां पर भेज दिया है, रेडीमेड मंत्री दिया है। राणे साहब ने उद्धव जी की दादागिरी के सामने बड़ा संघर्ष किया है, मित्रों संघर्ष किया है, और राणे साहब अब भारतीय जनता पार्टी में है। रत्नागिरी को बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, राणे साहब को उनके राजनीतिक कद के हिसाब से प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो, बड़ी दूर से आया हूं मैं, बटन दबाएंगे कमल के निशान पर? नारायण राणे जी को जिताएंगे, 400 पार करेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।